भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री गणेश जी का एवं रिद्धि सिद्धि का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार श्री गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, राहु काल कब रहेगा, भद्रा काल कब रहेगा, अभिजीत मुहूर्त कब रहेगा तथा भगवान श्री गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी का प्रागट्य हुआ था, इसलिए इस गणेश चतुर्थी को भगवान श्री गणेश जी का प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है। इसे विनायक चतुर्थी या शिवा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी का महापर्व 31 अगस्त 2022 बुधवार के दिन है और बुधवार के दिन जब भी चतुर्थी आती है तो उसे महाचतुर्थी संयोग के रूप में माना जाता है। इस बार वर्ष 2022 में बुधवारी श्री गणेश चतुर्थी होने से महाचतुर्थी का संयोग निर्मित हो रहा है। चतुर्थी तिथि का आरंभ 30 अगस्त 2022 मंगलवार को दोपहर 3:33 से हो जाएगा, जो कि 31 अगस्त 2022 बुधवार को दोपहर 3:22 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। क्योंकि यह चतुर्थी सूर्योदय व्यापिनी मानी जाती है, इसलिए इस दिन सूर्योदय व्यापिनी जो चतुर्थी रहेगी वो 31 अगस्त 2022 बुधवार के दिन ही रहेगी। इस दिन ही आपको अपने घर में भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करना है तथा नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। 31 अगस्त 2022 बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, सबसे पहला श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त प्रातः 6 बजे से आरंभ होकर के 9 बजे तक रहेगा। उसके बाद दूसरा जो मुहूर्त रहेगा सुबह 10:30 से आरंभ होगा, जो कि दोपहर 12 बजे तक रहेगा तथा तीसरा और अगला मुहूर्त जो रहेगा वो अपराह्न 3 बजे से आरंभ होकर के शाम को 6 बजे तक रहेगा तथा सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के समय जो भगवान श्री गणेश जी की स्थापना के शुभ मुहूर्त रहेंगे उनमें सबसे पहला मुहूर्त शाम को 7:30 से प्रारंभ होकर के रात्रि 12 बजे तक रहेगा। यह शुभ अमृत तथा चर का चौघड़िया रहेगा तथा दोपहर में 11:45 से लेकर के 2 बजे तक वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगी तथा शाम के समय जो कुंभ स्थिर लग्न होगी वो शाम को 5:53 से आरंभ होकर के 7:26 तक रहेगी तथा उसके पश्चात जो वृषभ स्थिर लग्न रहेगी वो रात्रि 10:37 से शुरू होगी, जो कि रात्रि 12:36 पर समाप्त हो जाएगी। भगवान श्री गणेश जी का जो प्रागट्य हुआ था वो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन मध्यान्ह के समय ठीक दोपहर 12 बजे भगवान श्री गणेश जी का प्रागट्य हुआ था। तो अगर आप दोपहर 12 बजे उनका जन्मोत्सव मना करके उनकी स्थापना करेंगे तो अति शुभ रहेगा, अन्यथा आप अपनी सुविधा के अनुसार हमने जो शुभ मुहूर्त बताए हैं उनमें भी भगवान श्री गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। इस बार चूंकि भगवान गणेश जी की स्थापना का पर्व बुधवार के दिन आ रहा है तो इस दिन बड़ा ही शुभ संयोग निर्मित हो रहा है तथा इस दिन गुरु एवं चंद्रमा का गज केसरी राजयोग भी निर्मित हो रहा है, जो कि इस दिन को और भी शुभता प्रदान करेगा। तो अगर आप श्री गणेश जी की स्थापना अपने घर में करेंगे तथा नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान गणेश जी की कृपा एवं उनका भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। इस दिन चंद्रमा का दर्शन करना यानी चंद्रमा को देखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि चतुर्थी का जो चंद्रमा होता है वह कलंक वाला चंद्रमा होता है। अगर इस दिन कोई भी मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, अगर इस दिन चंद्रमा का दर्शन कर लेंगे तो उनके ऊपर कलंक लग जाएगा यानी झूठा आरोप लग जाएगा। इसलिए इस दिन आपको
किसी भी परिस्थिति में चंद्रमा का दर्शन बिल्कुल नहीं करना है। 31 अगस्त 2022 बुधवार के दिन चंद्रोदय सुबह 9:44 पर ही हो जाएगा और चंद्रमा का अस्त 31 अगस्त 2022 बुधवार की रात को 9:39 पर होगा। इसलिए आप इस दौरान चंद्रमा का दर्शन बिल्कुल न करें, अन्यथा आपके ऊपर झूठा आरोप लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। अगर आप गलती से इस दिन चंद्रमा का दर्शन कर लेते हैं तो आपको श्रीमद् भागवत की जो स्यमंतक मणि की कथा है उसका श्रवण करना चाहिए, जिससे यह चंद्रमा का जो दोष है वह समाप्त हो जाएगा। चंद्र दर्शन का जो दोष होता है वह स्यमंतक मणि की कथा का श्रवण करने से समाप्त हो जाएगा। हालांकि श्री भगवान गणेश जी की स्थापना में भद्रा काल का कोई विचार नहीं किया जाता है, फिर भी हम आपको भद्रा काल का समय बता दें कि 30 और 31 की जो रात्रि होगी उसमें 2 बजे से भद्रा आरंभ होगी, जो कि 31 अगस्त को दोपहर 1:42 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। और इस दिन का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, और अभिजीत मुहूर्त में ही दोपहर 12 बजे भगवान श्री गणेश जी का प्रागट्य हुआ है। इसलिए अभिजीत मुहूर्त का समय 31 अगस्त 2022 बुधवार को दोपहर 11:30 से लेकर के 12:30 तक होगा। तो इस दौरान आप भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करेंगे, स्थापना करेंगे तो अति शुभ रहेगा। हालांकि गणेश चतुर्थी में राहु काल का विचार नहीं किया जाता है, फिर हम आपको बता दें कि इस दिन राहु काल का जो समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक का रहेगा, यानी 12 से 1:30 के बीच में आपको किसी भी प्रकार का शुभ एवं मांगलिक कार्य संपादित नहीं करना चाहिए। हालांकि राहु काल का विचार आप अपने क्षेत्र के पंचांग या कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहु काल कई क्षेत्रों में कई स्थानों में नहीं माना जाता है। तो अगर आप अपने घर में भगवान श्री गणेश जी की स्थापना चतुर्थी को करते हैं तो निश्चित तौर से आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। भगवान गणेश जी की इस दिन पार्थिव गणेश की स्थापना की जाती है, यानी मिट्टी के बने हुए श्री गणेश जी की स्थापना की जाती है। आप चाहें तो अपने घर में भी मिट्टी के गणेश जी का निर्माण कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो आजकल बाजार में भी मिट्टी के गणेश जी उपलब्ध हो जाते हैं, तो आप अपने घर में मिट्टी के गणेश जी ला करके उनकी स्थापना करें। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन किसी भी अपवित्र वस्तु के गणेश जी यानी POP इत्यादि के जो गणेश जी आते हैं उनको नहीं लाएं, केवल और केवल मिट्टी के गणेश जी लाकर ही अपने घर में उनकी स्थापना करें और निरंतर गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक उनका पूजन अर्चन करें। सुबह शाम निर्धारित समय पर उनका पूजन करें, उनको मोदक और लड्डुओं का भोग लगाएं, गुड़ का भोग भी आप उनको लगा सकते हैं, उसके बाद उनकी आरती उतारें। इस प्रकार आप प्रत्येक दिन उनको पूजन अर्चन करके आरती पूजा करें, तथा पहले दिन यानी गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप गणेश जी की स्थापना करते हैं तो अपने घर में पूर्व अथवा उत्तर दिशा में एक शुद्ध और पवित्र स्थान पर या अपने पूजा स्थल पर आपको एक चौक बना करके वहां पर एक चौकी की स्थापना करना है, उसके ऊपर लाल कपड़ा आपको बिछाना है, उसके ऊपर थोड़े से अक्षत यानी चावल के दाने आपको डाल देना है, उसके ऊपर थोड़ी सी दुर्वा रखना है और उसके ऊपर आपको पार्थिव गणेश जी यानी मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति जो आप लेकर आए हैं उनको स्थापित करना चाहिए, और उनके सीधे हाथ की तरफ एक गेहूं अथवा चावल की ढेरी बना करके एक तांबे का लोटा अथवा मिट्टी का कलश रख करके कलश की स्थापना करें, कलश में जल भर देवे, कलश के कंठ में आपको रक्षा सूत्र यानी मोली बांधना है और उसमें आम के पत्ते आपको रखना है, तथा एक नारियल आपको कलश में स्थापित करना है, कलश के ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह आपको बना देना चाहिए।
सामने दो सुपारी रख देवे, गौरी गणेश की वहां पर स्थापना कर देवे। सबसे पहले दो सुपारी का पूजन करें गौरी गणेश का। अगर आप नवग्रह की स्थापना करना चाहते हैं तो नौ चावल की ढेरी लगा करके उनके ऊपर सुपारी इत्यादि वस्तु रख करके नवग्रह की स्थापना भी आप कर सकते हैं। अनिवार्य नहीं है लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। उनके साथ ही 16 ढेरियां रख करके चावल या गेहूं की, उसके ऊपर 16 सुपारी रख करके षोडश मातृका की स्थापना करके उनका भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम स्थापना करते हैं तो गौरी गणेश का दो सुपारी का पूजन करें, उसके बाद कलश का पूजन करें, उसके पश्चात नवग्रह का पूजन करें, उसके बाद षोडश मातृका का पूजन करें, उसके पश्चात पार्थिव गणेश जी का यानी मिट्टी के गणेश जी जो लेकर आए हैं उनका पूजन करें। पूजन करने के लिए प्रत्येक देवताओं को पहले 4 बार जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद उनको जो है पंचामृत चढ़ाया जाता है, और उसके बाद उनको कलावा या मौली अथवा रक्षा सूत्र चढ़ाया जाता है, उसके बाद जनेऊ जोड़ा यानी जो यज्ञोपवीत जिसे कहा जाता है जनेऊ का जोड़ा होता है वह भगवान गणेश जी को पहनाया जाता है, उसके बाद उनको सिंदूर और कुमकुम का तिलक लगाया जाता है, फिर आप उनको अक्षत किने चावल चढ़ाएं, उसके बाद भगवान गणेश जी को पुष्प और पुष्पमाला चढ़ाएं तथा उसके बाद भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखें भगवान गणेश जी की पूजा में आपको तुलसी जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, गणेश जी की पूजा में दूर्वा का ही उपयोग किया जाता है, तथा भगवान गणेश जी को अबीर गुलाल हल्दी मेहंदी इत्यादि सौभाग्य की वस्तुएं चढ़ाएं क्योंकि उनके साथ रिद्धि सिद्धि भी निवास करती है, इसलिए सौभाग्य की वस्तु चढ़ा करके धूप और दीप उनको दिखाएं। उसके बाद भगवान गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं, इस दिन मोदक भी उनको चढ़ाए जाते हैं, और यदि मोदक और लड्डू की आपके पास व्यवस्था नहीं है तो केवल गुड़ का भोग भी आप गणेश जी को लगा सकते हैं, फल मिठाई या बेसन के लड्डू भी आप उनको चढ़ा सकते हैं, पंचामृत जो आपने तैयार किया है उसका भी आप भोग लगाएं, ऋतु के जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो वो भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। लाल पुष्प और लाल फल गणेश जी को अत्यधिक प्रिय होते हैं, इसके अलावा भगवान गणेश जी को इत्र चढ़ाएं, और जो भी पूजन सामग्री आपने एकत्रित की है वो सब गणेश जी को पृथक पृथक यानी अलग अलग प्रकार से चढ़ा करके ओम गं गणपतये नमः इस महामंत्र का उच्चारण करते हुए उनका पूजन करें, तथा उनको आप एक श्रीफल यानी नारियल भी सामने दक्षिणा रख करके चढ़ाएं, तथा उसके बाद उनकी आरती उतारें और मंत्र पुष्पांजलि के लिए भगवान गणेश जी को पुष्प अर्पित करें, और उसके बाद भगवान गणेश जी से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करें कि हे प्रभु हम मंत्र नहीं जानते हैं, हम आपकी पूजा की विधि नहीं जानते हैं, हम किसी भी प्रकार से आपकी पूजा करना नहीं जानते हैं, हमारे द्वारा जाने अनजाने में जो भी गलती हो गई हो उसे क्षमा करना, और हमारे द्वारा पूजा जो हमने आपको प्रदान की है जो आपकी सेवा की है उसको आप स्वीकार करना। इस प्रकार हाथ जोड़ करके अगर आप गणेश जी से प्रार्थना करेंगे तो वो कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके आपको अवश्य ही वो क्षमा प्रदान कर देंगे। यानी इस प्रकार से अगर आप भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान गणेश जी का और रिद्धि सिद्धि का भरपूर आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप श्री गणेश चतुर्थी के निमित्त बुधवारी महा चतुर्थी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं या फिर हमारे माध्यम से श्री गणेश जी की स्थापना करवा करके पूजन अर्चन आप करवाना चाहते हैं या गणेश चतुर्थी के निमित्त आप कोई भी ब्राह्मण भोजन या अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या फिर कोई भी पूजन पाठ हमारे माध्यम से आप संपन्न करवाना चाहते हैं तो आप इस हेतु अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें एवं नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके श्री गणेश चतुर्थी का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।